प्रशंसा पत्र पर विचार और राय पूर्ण रूप से व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के हैं और हमारे विचारों और राय को नहीं दर्शाते। अनुभव विशेष उपयोगकर्ता के लिए व्यक्तिगत है और जरूरी नहीं कि वे इस उत्पाद के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि हों। हम उनके उत्पाद उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र को कवर करने और उसी के लिए कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने के लिए कंपनी से जुड़े हैं। जिन उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र शामिल है उन्हें कंपनी हमसे किसी प्रकार का मुआवजा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है सोनालिका DI 745 3rd। ये आप लोगों को सोनालिका का जो पुराना मॉडल है कुछ इस तरीके से यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोगों को गोल सेट में जो है जो हेडलाइट है ये देखने को मिल रही है। लेकिन अभी हम लोग ट्रैक्टर पे ध्यान नहीं देते हैं, अभी आप लोग इस तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है लेजर लेवलर और इसके बगल में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक्टर से चलने वाली राइस मिल होती है ये है, और वहीं पर इसके साइड में ये है लोडर और ये सारे जो अटैचमेंट होते हैं। नॉर्मली किसानों का ये मानना होता है कि जो अटैचमेंट है ये 60 HP के ट्रैक्टर पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन ये सारे अटैचमेंट जो हैं इस 50 HP के ट्रैक्टर पे जो कि है सोनालिका DI 745 3rd इस पे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इस ट्रैक्टर के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल देखेंगे, जो किसान भाई हैं इसको जो चला रहे हैं कैसी परफॉर्मेंस, सारी डिटेल देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं रूटावेटर, ये 2 मीटर का रूटावेटर है, वो भी सिर्फ जो 50 HP का ट्रैक्टर है। इस पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक्टर है इसमें आप लोगों को 2 DC वाल्व मिल रहे हैं और यहाँ पर ये लीवर है। यहाँ पर आकर के इस वजह से दिखा रहे हैं कि ये ट्रैक्टर अभी खेत से चल के आया हुआ है और यहाँ पर आप लोगों को कुछ उस तरीके से दिख नहीं रहा है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइट लगाने के लिए पोर्ट मिलता है, यहाँ पर ये है ये बोतल होल्डर है और यहाँ पर ये जो दोनों मड गार्ड है इनको कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को राड देखने को मिल रही है। यहाँ इसका जो PTO है, इसका जो RPM मिलता है आप लोगों को 540 मिलता है। ये डिटेल है, आप लोग देख सकते हैं जो किसान भाई हैं कितना रगड़ करके इस ट्रैक्टर को चला रहे हैं। आइए जो किसान भाई हैं हम उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि वो ये जो अटैचमेंट आप लोगों को हम दिखाए हैं उन पे इसको कैसे चला रहे हैं और जो परफॉर्मेंस है यह कैसी आ रही है। हमारे साथ किसान भाई आ चुके हैं और आपका स्वागत है हमारे स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे। आप एक छोटा सा परिचय सबसे पहले किसान भाइयों को दीजिएगा। नाम मेरा विजय वर्मा, ग्राम मेरा बरहनपुर कुसमा टांडा तहसील जिला अम्बेडकर नगर। ये जो ट्रैक्टर है अभी आप कितने दिन पहले खरीदे हुए हैं? 4 महीना। 4 महीने हो चुके हैं आपको इस ट्रैक्टर को खरीदे हुए। अच्छा, जब आप इस ट्रैक्टर को खरीद रहे थे तो आपको क्या लग रहा था कि आपके पास जो लेजर लेवलर है, आपके पास जो ये राइस मिल है, लोडर है, उसको चला पाएगा? उसको देख के खरीदे हुए थे। नॉर्मली जब किसान ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं, जैसे उनको लोडर चलाना हुआ, ये जो लेजर लेवलर चलाना हुआ, या 2 मीटर के जो आपके रूटावेटर हैं उनको चलाना हुआ, तो लोग 60 HP के ट्रैक्टर लेते हैं। पर आप ये कैसे सोच लिए कि 50 HP का आपका परफॉर्मेंस देगा? हमने 53-10 चलाया है जी, उसके बाद 50-50D चलाया जी, उसके बाद सोनालिका टाइगर चलाया जी, फिर इसको ले आया। अच्छा, इसको ले आए, मतलब कई ट्रैक्टर आपके पास मौके पर। इस समय आपके पास कौन कौन से ट्रैक्टर? सोनालिका टाइगर और ये आप लोग देख सकते हैं, ये है सोनालिका का 745 3rd, ये DI में आता है। अच्छा, जब आप रूटावेटर पे चलाते हैं तो 1 घंटे में ये कितना लीटर डीजल जो है ये खा जाता है? 4 लीटर। 4 लीटर। अच्छा, जब आप, अब हम बात करते हैं जो आपका इधर लोडर खड़ा था, तो जब आप लोडर पे चलाते हैं तो नॉर्मली ट्रैक्टर उठ जाते हैं, तो जब आप लोडर पे इसको चलाते हैं तो जो उठने की प्रॉब्लम है कितनी है, कैसी है, क्या उसको मैनेज कर सकते हैं हम लोग? नहीं, ये सब गाड़ी उठती है लोडर पे। उठे तो सब उठती है, पर जैसे इसको बेहतर तरीके से चला सकता है, अगर मान लीजिए हमको खरीदना हो, हम आपसे ये पूछे कि जो ये ट्रैक्टर है अगर हम ले रहे हैं तो क्या लोडर पे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा? हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस। अच्छा, जब आप उस पे चलाते हैं तो ये जो डीजल की खपत है ये कितनी करता है? दिन भर में 10 से 12 लीटर। दिन भर चलाते हैं 10 से 12 लीटर। अच्छा, उसमें रुक रुक करके चलाना होता है? हाँ, रुक रुक के चलता है। कंटिन्यू तो चलता नहीं, जैसे जो ट्राली खाली हो करके आ गई उसको भर दिए फिर आराम कर रहे हैं। तो मतलब कितनी ट्राली है आप एक दिन में भर देते होंगे? लगभग 100 से 150 तक। 100-150 ट्राली भरते हैं और 10 से 12 लीटर आपके डीजल की खपत होती है। हाँ। और ये जो राइस मिल है, जब आप राइस मिल पे चलाते हैं तो क्या खपत होती है? 4 से 5 लीटर। 4 से 5 लीटर। और ये आपका लेजर लेवलर पे कितनी खपत रहती है? 3 लीटर। 3 लीटर।
तो अभी अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए, जब आप चलाते हैं तो क्या कभी ऐसा नहीं होता है, अभी जैसे धान का सीजन चल रहा है, पडलिंग वगैरह करते हैं तो ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है ट्रैक्टर में, तो कहीं ऐसा नहीं होता कि ये ट्रैक्टर बैठने लगता है? 3 नंबर किलो में चलती है। 3 नंबर किलो में पडलिंग का काम आप करते हैं और बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस मिलती है। अच्छा, आप कई प्रकार के जो ट्रैक्टर हैं, कई कंपनियों के ट्रैक्टर हैं, इनको चला चुके हैं, तो जो इसका डीजल की खपत है ये कैसी है? सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया आपको मिल रही है डीजल की खपत। तो ये जो किसान भाई हैं ये बताएं कि अभी किन किन अटैचमेंट पे चल रहा है, और ये अच्छा ये जो अटैचमेंट है जो बताया जा रहा है ये सही बताया जा रहा है, चलाए हुए हैं? हाँ, सब चला हुआ है, सब धान चला, मशीन, मटलोडर, थ्रेसर, लेजर लेवलर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, सब पे चलाया हूँ मैं इसे। अच्छा, सब पे 4 महीने में सब चलाया है, सब चलाए हुए हैं। अच्छा, एक चीज और भी है कि जैसे जो आप ज़्यादातर जो अपना काम होता है वो किराए का ही होता है, सब किराए का काम, तो जब किराए पे ये काम होता है तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये हो जाता है कि भाई आपका जो ट्रैक्टर है वो डीजल खपत अगर कम करेगा तभी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, नहीं तो क्या पता कि जितने का आप काम कर रहे हैं उतने का आपका जो डीजल है ये खा जा रहा है, तो फिर कुछ मज़ा नहीं आने वाला है। तो अगर किसी किसान भाई को लेना हो ट्रैक्टर तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? यही ये मतलब 745 थर्ड इसको ले सकते हैं। अच्छा है। तो आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर जो किसान भाई थे इनकी क्या राय रही है। अब इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, जय जवान जय।